मटका भी गर्मी में बिकेगा, दिए भी दीपावली पे बिकेंगे या फिर किसी अन्य त्योहार पर बिकेंगे, इससे क्या घर का खर्च चल जाता है? नहीं, ये खर्चा नहीं चलता इससे घर का, और काम करना पड़ता है। ये छोड़ नहीं सकते जी, हमारा खानदानी काम है। कुम्हारों को मिट्टी के लिए जगह दी जाएगी और बर्तन पकाने के लिए जगह दी जाएगी, यहाँ किसी ने नहीं दी थी मारे को। आधुनिकता की दौड़ में समाज जैसे जैसे प्रकृति से दूर होता जा रहा है, वैसे ही पर्यावरण को भारी नुकसान पहुंचा रहा है। मिट्टी के बर्तन बनाने वाले कारीगर आज मिट्टी के बर्तन बनाने की कला के अस्तित्व को बचाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। लोग फ्रिज, वाटर कूलर और आरओ प्लांट का प्रयोग कर रहे हैं। मिट्टी के बर्तन बनाने वाले कुछ लोगों ने तो मिट्टी के बर्तन बनाने का कारोबार बंद ही कर दिया है, क्योंकि पहले के मुकाबले मिट्टी के बर्तनों की मांग में काफी गिरावट आई है। करनाल के रहने वाले कुम्हार हरि सिंह ने बताया कि वह पिछले 40 सालों से यह काम कर रहे हैं। आपको बता दें कि मिट्टी के बर्तन का पानी शरीर के तापमान को स्थिर रखता है, जबकि फ्रिज का पानी एक बार तो ठंडा लगता है लेकिन बाद में शरीर के अंदर की गर्मी को बढ़ा देता है। मिट्टी के बर्तनों में रखे पानी में मिनरल ज्यों के त्यों बने रहते हैं और फ्रिज के पानी में मिनरल कम हो जाते हैं। मिट्टी के बर्तन में प्राकृतिक छिद्र होते हैं जिससे पानी प्राकृतिक रूप से ठंडा रहता है। मरीजों के स्वास्थ्य को देखते हुए उन्हें मटके के पानी का प्रयोग करने की सलाह दी जाती है। गरीबों का फ्रिज कहलाने वाला घड़ा आज अपना अस्तित्व खोता जा रहा है। महंगाई ने भी कुम्हारों के पैतृक व्यवसाय को नुकसान पहुंचाया है। मिट्टी, घड़े, कुल्हड़, मटके, सुराही आदि को पकाने के लिए उपले व बुरादा भी महंगा हो गया है। इस कारण बर्तन बनाने में लागत अधिक हो गई है। शादी विवाह जैसे मांगलिक कार्य में पहले मिट्टी के बर्तनों का चलन था। आधुनिकता के चलते अब मिट्टी के बर्तन के स्थान पर प्लास्टिक, थर्मोकोल के बर्तनों का इस्तेमाल हो रहा है। इस वजह से मिट्टी के बर्तनों की जरूरत लगभग खत्म हो गई है। करनाल से तरुण मदान की रिपोर्ट। दोस्तों, मैं हूं तरुण मदान और अभी समय देख रहे हैं समाचार एक्सप्रेस में। आपको बता दूं कि मैं इस समय मौजूद हूं करनाल के अर्जुन गेट एरिया में। मैं आपको इससे पहले एक और जानकारी, एक और बात आपको बता दूं कि मिट्टी की सौंधी सौंधी खुशबू सबको महका देती है, सारे वातावरण को महका देती है। इस मिट्टी में हम खेले हैं, कूदे हैं, पड़े हैं, पले बड़े भी हैं और इसी मिट्टी से कई सामान भी बनते थे, जिसमें मटका सबसे प्रमुख माना जाता था। मटके के पानी को सबसे शीतल जल माना जाता है। सब सारे बीमारियों का निवारण भी उस मटके के पानी को पीने से हो जाता है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि अब त्योहारों का सीज़न आ चुका है, कुछ ही दिनों के बाद दीपावली का सीज़न है। दीपावली के सीज़न में जो मिट्टी के दिए हैं उनकी मांग भी हो जाती है। इसके अलावा कुछ और मिट्टी का सामान भी बनाया जाता है, जिसमें मटके हो गया, हांडियाँ हो गई और भी कई ऐसी चीज़ें जो मिट्टी के सामान से मिलते हैं। लेकिन मौजूदा समय में कुम्हार जो मिट्टी के बर्तन बनाते हैं, मिट्टी के दिए बनाते हैं, उनका क्या हाल है उनका, और इस समय उनकी क्या दशा है, कैसे वो बनाते हैं, कितना उन्हें लाभ होता है, कितना उन्हें नुकसान होता है, इस बारे में हमारे हम पहुँचे अर्जुन गेट। इस बारे में जानकारी हासिल करने के लिए हम पहुँचे अर्जुन गेट में, जहाँ पर हमारे साथ एक कुम्हार मौजूद हैं। मैं उनसे बात करने का प्रयास करूँगा। बाबू जी, सबसे पहले आपका नाम? हरि सिंह जी है मेरा नाम। हरि सिंह जी, आप ये बताइए कि पहले मिट्टी के दियों की बड़ी मांग रहती थी आज से कई साल पहले, लेकिन अब धीरे धीरे कम हो गई। अब आपको लगता है जैसे अब चीन के पहले चीन चाइनीज लड़ियाँ भी लग जाती थी, अब चाइनीज लड़ियों की जगह दिए लेंगे कि नहीं लेंगे? देखो जी, दिवाली के ऊपर बात है, ये तो बिकने के ऊपर बात है जी। तो अभी फिलहाल कैसा चल रहा है? अभी हाल तो मंदा ही चल रहा है जी, इस टाइम तो मंदा है जी बहुत। मंदे का क्या कारण हो सकता है? ये माल ज्यादा बना लिया लोगों ने, मंदा इसलिए है। माल ज्यादा हो गया, बिक्री कम हो रही है। बिक्री कम है। देखिए, इन्होंने बताया कि चाइना के साथ कशमकश चल रही है, बावजूद इसके लोगों ने लॉकडाउन के दौरान माल ज़्यादा बना लिया, लेकिन बिक्री उस हिसाब से नहीं हो रही जिस हिसाब से उन्होंने माल बनाया था। बाबू जी, एक चीज़ बताइए आप, मौजूदा समय में अगर हम दियो की बात करें, एक मटके की बात करें, एक मटके को बनने में कितने का खर्च आ जाता होगा? एक मटके को बनने में कम से कम भी 35 रुपये का खर्चा आता है जी। अरे, कितने की बिक्री हो जाती है उसकी? वो ज़्यादा से ज़्यादा 60 का 70 का बिकता है जी। देखिए, एक मटके को बनाने में 35 रुपये का खर्च आ जाता है, बिकता है वो 60 से या 70 रुपये का। सर, एक चीज़ और बताइए, जो मिट्टी के दिए हैं,
मिट्टी के दीयों का क्या भाव है आज के समय में? ये जी 10 के 12 हो रहे जी है। इनके लागत कितनी आ रही है? ये लागत तो जी 2000 रुपये की बुक ले आवा जी मिट्टी की, 20 टोकरियाँ नहीं होती, तसले 20 तसले होते नहीं जी उसमें। एक तसले में कितना समय आ जाता है? एक तसले में ज़्यादा 300-400 बन गया, मतलब 20 तसले निकल जाते हैं। हाँ देखिए हरी सिंह जी ने हमें बताया कि मिट्टी की एक ट्रॉली 2000 रुपये तक की आती है, जिस ट्रॉली नहीं बुग्गी, मिट्टी की एक बुग्गी 2000 रुपये की आती है, जिसमें से 20 तसले इनके मुश्किल से वो निकलते हैं दीयों के, और एक तसले के अंदर 300 के आसपास दिए होते हैं। इसके अलावा हरी सिंह जी की मेहनत भी है, क्योंकि आपको पता होगा कि कुम्हार जब बनाता है तो कैसे किस तरह से उन्हें मेहनत करनी पड़ती। अच्छा सर हरी सिंह जी ये बताइए, मटके को बनाने के लिए कैसे बनाया जाता है मटका? मटका ऐसे ही बनाया जाता है जी, मिट्टी से। क्या मिट्टी को पहले क्या किया जाता है? पहले मिट्टी को छेता जाता है जी, फिर उसको रौंदा जाता है जी, फिर उसका मटका बनाया जावा जी, फिर उसको पीट पीट के बड़ा करना पड़ता है जी। कितना समय लग जाता है एक मटका बनाने में? एक मटका बनाने में जैसे ये आज बनाए हैं, ये कल तैयार होंगे, एक दिन का समय लग जाता है? 2 दिन का समय लगता है जी। देखिए हरी सिंह जी ने बताया कि किस तरह से मिट्टी को मटके का आकार दिया जाता है, उसे रौंदा जाता है, उसे पीटा जाता है, लगभग 2 दिन का समय लग जाता है एक मटके को तैयार होने में, और बावजूद इसके वो मटका 35 रुपये का इनको घर पर कॉस्ट करता है, और उसके बाद वो 70 रुपये का बिकता है। सर एक चीज़ आप बताएं कि एक मटका बनाने में जब आप मिट्टी को रौंदते हैं, मिट्टी को छेदते हैं, या उसको सिकाई करती हैं, जब भी करते हैं, उसमें मिट्टी की जो वेस्टेज होती है वो कितनी हो जाती है? वेस्ट नहीं होने देते जी, मिट्टी वेस्ट नहीं होने देती, मिट्टी वेस्ट नहीं होने देते। पहले जब भट्टी हो जाए ना, जो मतलब बर्तन खराब भी हो जाना बनाया, उसको हटकर जो सुखा कर फिर बना लेते हैं। नहीं पहले जब, अभी तो ये मोटर के माध्यम से बनाया जाता है, हाँ। पहले जब भट्टी में डाला जाता था, हाँ। तब भी तो खराब भी होती थी। तो भट्टी में तो ऐसा है जी, वो तो भगवान के ऊपर है जी, देन लगे सारे उतर जाए, नहीं तो आधे बिना उतरे टूट जाते हैं भट्टी में। देखिए अब मौजूदा समय आधुनिक युग में मोटर के माध्यम से मटका बना जाता है, जिसमें इनकी वेस्टेज बहुत कम है, ना के बराबर है, लेकिन इससे पहले जब भट्टी में बनाया जाता तो इनका ये कहना है कि भगवान अगर वो सारा सामान सारे नग ठीक निकाल दे तो बहुत अच्छी बात है, ना निकाले तो एक भी ठीक ना निकाले, ये भगवान की मर्जी के ऊपर है। उस समय इनकी वेस्टेज होती थी, लेकिन इस समय मोटर के माध्यम से बनाते हैं, अगर कोई मिट्टी वेस्ट भी हो जाती है उसे सुखा कर, उसे तोड़ कर दोबारा से किसी ना किसी चीज़ का रूप दे दिया जाता है, कोई ना कोई आकार में उसे तब्दील कर दिया जाता है। सर आप क्या कहना चाहेंगे लोगों से भी, हमें दूसरी जो बाहर से चीज़ जा रही है उनका उपयोग करना चाहिए, या घर से बनी चीज़ों का उपयोग करना चाहिए? घर से बनी चीज़ों का प्रयोग करना चाहिए जी। और अगर हम ये बात करें कि करनाल में ऐसे कितने घर हैं जो इस तरह की चीज़ें बनाते हैं और बेचने का काम करते हैं? 100-150 घर हैं जी जो बनाते हैं। अच्छा एक कुल मिला के एक मोटी सी बात पूछते हैं हरी सिंह जी, इन सबसे घर का जो खर्च है वो, ये तो आपका जो काम है वो सीजनल काम है, त्यौहार आएंगे तो बिकेगा, हाँ मटका भी गर्मी में बिकेगा, दिए भी दीपावली पे बिकेंगे या फिर किसी अन्य त्यौहार पर बिकेंगे, इससे क्या घर का खर्च चल जाता है? नहीं जी खर्चा नहीं चलता इससे घर का, और काम करना पड़ता है जी। लेकिन ये आपका पुश्तैनी काम है तो आप इसे छोड़ नहीं सकते? ये छोड़ नहीं सकते जी, ये हमारा खानदानी काम है। कितने साल हो गए ये? कम से कम जी 40 साल तो मेरे को हो गए करते हैं। और अगर आपके पूरे परिवार की बात की जाए तो? पूरे परिवार में कोई नहीं करता जी आगे। आपसे पहले आपके जो बड़े थे वो? वो पिताजी करते थे, पिताजी के पिताजी करते थे। कुल मिला के बात कर दो कितने साल? तो कुल मिला के क्या बतावा जी, उनकी उम्र कितनी थी? 3 पीढ़ियों से तो हमने पता है जी, आगे शुरू से ही बनते आ रहे, और ये हमारे मकान इस जगह पे आए, जब कभी करनाल बसा था ना, ये तालाब के किनारे पे आए, ये जो हमारे मकान है। देखिए ये हम थे हमारे साथ करनाल से अर्जुन गेट में कुम्हार हरी सिंह जी, जिन्होंने हमें विस्तार से पूरी जानकारी दी। मैं आपको बता दूं कि इनका यह भी कहना है कि इस काम से घर का खर्च नहीं चलता, इन्हें दूसरा काम करना पड़ता है। इनकी पिछली 3 पीढ़ियों से लगातार यह काम करते आ रहे हैं, 40 वर्ष से तो हरी सिंह जी ही मटकों का काम करते आ रहे हैं, लेकिन मजबूरी यह है कि मटके और जो अन्य दिए हैं सामान वो सीजनल हैं, सीजनल चीज़ें हैं, सीजन के दौरान ही बिकती हैं, सीजन के दौरान ही बिकते हैं। मैं आपको दिखाऊंगा कि इसको पकाया कैसे जाता है। हरी सिंह जी एक बारी आप हमें दिखाएंगे इसको पकाया कैसे जाता है? ये ऊपर आना पड़ेगा। मैं आपको भी दिखाता हूँ, हरी सिंह जी हमें दिखाएंगे भी किस तरह से इसको पकाया जाता है।
देखिए, मैं आपको अब दिखा रहा हूँ कि ये पकाया कैसे जाता है और इसको पकाते कैसे हैं, ये हरी सिंह जी बताएंगे। हरी सिंह जी, इनको पकाया कैसे जाता है? ये इनमें जी गुस्से लगाने पड़ते हैं, लकड़ी का बरूदा लगाना पड़ता है और कोले की केरी लगानी पड़ती है जब पकते हैं। कितना टाइम लग जाता है और एक मटके को पकने में? एक मटका नहीं है तो भट्टी लगती है जी, पूरी भट्टी में आप कितने नग डाल देते हैं? इसमें 40 नग आ जाते हैं जी। 40 नग मटकों के आ जाते हैं। और अगर हम दियों की बात करें? दिए आ जाते हैं जी 5-6 हज़ार आ जाते हैं। ये जो आप सामान डालते हैं इसके अंदर से, बुरादा डालना पड़ता है, जो भी सामान डालना पड़ता है, उसका खर्च उसका अलग है जी। 2 रुपए का एक उपला आता है जी, आप गुस्सा समझते होंगे ना, गुस्सा 2 रुपए का एक लाना जी। अच्छा ये बताइए, जो 40 नग आप भट्टी में पकाते हैं एक समय में, उनको पकने में कितना समय लग जाता है? इनको पकने में 4 दिन लगा जी। इनको पकड़ने में 4 दिन लगते हैं? 4 दिन लगा जी। तो बात कुल मिला के यही आ जाते है कि इस भट्टी में से अगर परमात्मा करेगा माल निकले तो पूरे का पूरे नग ठीक निकल जाए, अगर ना निकले तो एक भी ना निकले जी। तभी मैं आपसे पूछ रहा था कि इसमें कितनी को खराबी हो जाती होगी, अगर अंदाजा हम लगा के चलें, एवरेज लगा के चलें। देखो जी, वो तो भगवान नाम पे है जी, लिखने लगा सारी भट्टी लिख दिया, नहीं लिखड़ा तो एक भी ना निकला। देखिए कुल मिला के इनका सारा काम भगवान के हाथ में, ये अपनी तरह से पूरी मेहनत करते हैं, किस तरह से मिट्टी को रोंद कर, मिट्टी को पीट कर उन्हें मटकों का और इन्हें कई चीज़ों का रूप दिया जाता है, उसके बाद उसे भट्टी में पकाया भी जाता है, भट्टी में पकाने का खर्च अलग से आता है, उसके बाद भी अगर परमात्मा की देना अगर सारे नग ठीक निकल जाएँ तो ठीक है। और मैं आपको बता दूँ कि भट्टी में एक समय में 40 नग डाले जाते हैं, यानी कि 40 के 40 मटके डाले जाते हैं, यदि परमात्मा की रहमत रहे तो वह 40 के 40 मटके ठीक निकलाते हैं, अन्यथा एक भी मटका ठीक ना निकले यह भी भगवान के ऊपर है। ये सारी बातें श्री हरि सिंह जी, जो कि पिछले 40 सालों से और इनकी 3 पीढ़ियां लगातार यह काम कर रही हैं, और करनाल में लगभग 150 से 150 घर ऐसे हैं जो इन कामों को कर रहे हैं, लेकिन बावजूद इनकी स्थिति दयनीय है, इनका कहना ही यह है कि इन कामों से घर नहीं चलता, लेकिन खानदानी काम है, मजबूरी में इनको करना पड़ता है और आगे भी ये करते रहेंगे। हाँ हरि सिंह जी, एक चीज़ बताइए, जैसे आप बता रहे हैं कि इतना खर्च आता है, नुकसान होने का डर भी लगा रहता है, और काम भी इतना नहीं है, लोगों ने लॉकडाउन में स्टॉक भी ज़्यादा कर लिया, खर्च भी ज़्यादा बढ़ गया, 2,000 रुपये की भूगी है, पकाने में भी खर्च आता है, समय भी लगता है, मेहनत भी लगती है, शरीर भी टूटता है, 40 सालों से आप काम कर रहे हैं, क्या आपको कभी सरकार की तरफ से कोई मदद आई? नहीं, कभी नहीं आई जी, कभी नहीं। या सरकार ने किस तरह से पहल की होगी कि इस जाति को या इस काम को तवज्जो दी जाए? नहीं जी, पहले का एक बार करी थी गवर्नमेंट ने, भाई कुम्हारों को मिट्टी के लिए जगह दी जाएगी और बर्तन पकाने के लिए जगह दी जाएगी, यहाँ किसी ने नहीं दी थी मारे को, सिर्फ खाली चंडीगढ़ है ना, चंडीगढ़ में कुम्हारों को 100-100 गज का प्लाट दे रखा और मिट्टी की जगह दे रखी जी। अब आप सरकार से क्या अपील करना चाहेंगे? हम तो यही करना चाहेंगे जी, हमारा भी रोजगार बढ़ जाए जी, हमारे को भी मिट्टी दी जाए बस। देखिए ये हरि सिंह जी ने अपना दर्द बयां कर दिया, इनका ये कहना है कि सरकार ने पहले कभी कहा था कि इनको मिट्टी दी जाएगी और भट्टी के लिए जगह दी जाएगी, लेकिन फिलहाल अभी तक ना सरकार ने अपने द्वारा किए गए किसी भी वादे को पूरा किया। इन्होंने बताया कि चंडीगढ़ में हमने जो वहाँ पर कुम्हार हैं जो बनाते हैं इन चीज़ों को, उन्हें जरूर 100-100 गज के प्लाट देंगे, लेकिन करनाल में या हरियाणा में इस तरह की कोई भी सुविधा किसी भी कुम्हार को नहीं दीजिए। इनका यह दर्द है, इनका यह कहना है कि सरकार इनकी तरफ ध्यान दे ताकि इनका भी घर चल सके, इनका भी रोजगार बढ़ सके। मैं एक बार फिर से तरुण मदान, सीनियर कैमरा पर्सन सनी चौधरी, समाचार एक्सप्रेस के लिए धन्यवाद। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक करें, हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, धन्यवाद। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise.